वेलकम गाइज, जी के एम्स कुछ एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जी के एम्स कुछ एम के चैनल को। और पाई रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी पर्सन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस कर रहे थे हारमोनी पार्ट से घंटे। पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हमने 1 to 20 डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसके बारे में चर्चा, ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाए। हार्मोन और ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो गया 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन हस्तांतरित होता है? अल्फा, डेल्टा, तंत्रिका, बीटा। सो गाइस, सिंपल सी बात है, देखो इंसुलिन अग्नाशय तो सब जानते हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि होती है जिसमें कोशिकाएं होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, ठीक है। और इनका सबका अपना अपना काम होता है, जैसे अल्फा का अलग है, बीटा का अलग है, गामा का अलग है, ठीक है। तो बीटा यहाँ इंसुलिन का उत्पादन करती है। फिर आपसे पूछ ले जाए, अगर फिर पूछ ले जाए कि गामा क्या करती है, अल्फा क्या करती है, तो फिर आप क्या बताओगे? गामा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। और अल्फा कौन सा करती है? फिर ग्लूकागोन, ठीक है। क्या ये सही है? ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? इंसुलिन स्त्रावित बीटा से होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा से भी पूछा जा सकता है और गामा से भी पूछा जा सकता है। चलो, डायबिटीज़ मेलाइटिस किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, शुगर की बीमारी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। किस हार्मोन की कम होने से होता है गाइस? इंसुलिन से, ग्लूकागोन से, या फिर थायरोक्सिन से, या फिर एक्सडाइज। देखो गाइस, किसी भी हार्मोन की कमी से अधिकता से रोग होता है, ठीक है। सो यहाँ पर डायबिटीज़ मधुमेह के बारे में पूछा है। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइस इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल करना। अगर मान लो इसकी कमी हो गई तो रक्त में तो ग्लूकोज काफ़ी सारा बढ़ जाएगा, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसुलिन की कमी से ऐसा होता है। चलो जाइए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आदमी के खंड के किस भाग को O2 यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? बचपन में पढ़ा होगा ना, क्रिकॉइड उपास्थि, खंड, सवसनी, या फिर थायराइड उपास्थि। कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लोकेशन पता होना चाहिए। मस्तिष्क में कौन सी होती है? गले में कौन सी होती है? हृदय के पास में कौन सी होती है? लीवर के पास में कौन सी होती है? स्प्लीन, प्लीहा के पास में कौन सी होती है? जनन ग्रंथियाँ कौन कहाँ पर होती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उनसे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है और उनका क्या फंक्शन होता है? बन गया आपका काम। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। आदमी के खंड के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष, या फिर अधिवक्र, जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हो, अधिवक्र, ठीक है, क्योंकि आधे वक्र पे होती है। वक्र सब जानते हो ना, गुर्दे, किडनी, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर होती है, ठीक है, आधे वक्र पे, इसीलिए अधिवक्र बोल देते हैं इसको। निम्न में से कौन सी ग्रंथि गर्दन में होती है? तो होती है थायराइड। थायराइड सब जानते हो ना। चलो, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, बताओ? थायराइड। गाइस एक ऑप्शन काट के कर लो, देखो बहुत सारी गलती करेंगे इसमें। थायराइड, पैराथायराइड, या फिर एड्रेनलिन, या फिर पिट्यूटरी। यहाँ पर इसको लीवर कर दो, यहाँ पर ऑप्शन लीवर दे दिया मान लो। फिर अब आपसे पूछा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप टिक किस पर लगाओगे? या तो थायराइड पर लगाओगे, या पैराथायराइड पर, या फिर लीवर पर, या फिर पिट्यूटरी पर, बताओ, ईमानदार से बता दो। अपना डाउट यहीं क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है। एड्रेनल की जगह आप ऐसा करो लीवर कर दो, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है, लगा दिया होगा टिक। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थायराइड, ठीक है।
अब वो सारा तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया था बिलीवर का, तो उसको टिक किया होगा जिसको नॉलेज थोड़ी सी कम है, ठीक है, लीवर पे टिक किया होगा सर आपने तो बताया था कि सबसे बड़ी, बट दिमाग लगाना यहाँ पर अंतःस्रावी पूछा है, लीवर बहिस्त्रावी होते हैं ना, बहिस्त्रावी उनके लिए लीवर पे जाता है, अगर अंतःस्रावी पूछे तो फिर आपका थायराइड पे जाएगा, क्लियर। इसलिए आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर एग्जामिनर लीवर का ऑप्शन दे सकता है और बहुत सारे लीवर भी करके आएंगे, बट ये मत करना इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका थायराइड, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन दिया था आपके लिए, क्लियर। अगर अंतःस्रावी की पूछे तो आपको थायराइड करके आना, अगर बहिस्त्रावी की पूछे तो लीवर करके आना ही, सिंपल। चलो बढ़ो आगे, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है गाइज, यकृत, गला, आँख या फिर कोई नहीं, थायराइड ग्रंथि का स्थान लोकेशन बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं थायराइड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हस्तांतरित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हस्तांतरित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH या फिर LTH या फिर ACTH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हस्तांतरित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, सो गाइज वो है आपका TSH, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हस्तांतरित करने के लिए उत्तेजित, देखो थायराइड ग्रंथि को ये एक्शन देता है TSH, ठीक है। चलो, एक विशिष्ट हार्मोन को जिनकी कमी से गलखंड यानी कि गाइटर रोग हो जाता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, हाइपोथैलेमस को, पेनक्रियाज को यानी कि अग्नाशय को, या फिर थायमस को, या फिर पैराथायराइड को, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, थायराइड, ठीक है। किसकी कुसंक्रिया का कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, अधिवक्र ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या फिर थायराइड। किसकी कुसंक्रियता का कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, अधिवक्र ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या फिर थायराइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि थायराइड, ठीक है। बढ़ो आगे, थायराइड ग्रंथि की सामान्यतः बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, KI, KIO3, KCl, Br। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा KI, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है गाइज, थायमस की अतिसक्रियता या फिर थायराइड की अतिसक्रियता, थायमस की अल्पसक्रियता, थायराइड की अल्पसक्रियता, ग्रेसो का रोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि थायराइड की अतिसक्रियता। बढ़ो आगे, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण, ट्रिप्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, केराटिन, केसिन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण। सो गाइज वो है आपकी ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग आप जानते हो कि दुग्ध को स्राव कराने में और गर्भाशय के संकुचन में हेल्पफुल होता है ऑक्सीटॉक्सिन, और आपको पता है कि आजकल तो ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन जो दूध देने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय होगी, भैंस होगी, उनमें भी लगाने लग गए अधिक दूध प्राप्त करने के लिए, जो कि गलत बात है, ठीक है। ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, फिर दूध में अगर मान लो किसी जानवर को लगा दिया इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन किसी जानवर को लगा दिया तो ये जानवर का दूध कोई पिएगा तो ऑक्सीटॉक्सिन तो उसमें भी जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर उसमें सिम्टम आ जाएंगे, फिर समझ सकते हो आप, ठीक है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण तो ऑक्सीटॉक्सिन है, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलो,
निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। ठीक है, बढ़ो आगे। हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटॉक्सिन, रेनिन, पेप्सिन मान सकते हो, ठीक है, और साइटोसिन। हार्मोन क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन कम लग रहे हो तो आपके लिए स्पेशल चैनल है एक और, जिसका नाम है जेके लोन जॉब। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको फॉलो कर लेना। हार्मोन का उदाहरण है सो गाइस जो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायबिटिक हार्मोन है? वेसोप्रिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एसीटीएच या फिर कॉर्टिसोन? निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायबिटिक हार्मोन है? सो गाइस वो है आपका वेसोप्रिन। ठीक है, नेक्स्ट। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकेकोन, वर्दीकर हार्मोन या पेराटूर हार्मोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि पेराटू हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटॉक्सिन? एड्रेनालिन कहलाता है लड़ो मरो। ठीक है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरोन? सिंपल एड्रेनालिन। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, यानी कि एज के साथ साथ लुप्त होती जाती है और वृद्धावस्था में तो पूरी लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है? कौन सी, प्यूस, थायरॉयड या फिर पैराथायरॉयड या फिर थायमस? सो गाइज वो है थायमस, जो हृदय के पास में पाई जाती है। ठीक है, ये गायब हो जाती है और इसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो ये इसलिए वृद्धावस्था में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, क्योंकि थायमस ग्रंथि भी गायब हो जाती है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो गाइज, लिंक नीचे दे रखा है फेसबुक इंस्टाग्राम का, ताकि वहाँ पर कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो। थायमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? थायरोक्सिन, थायमोसिन या फिर थायरोनिन या फिर कैल्सिटोनिन? थायमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थायमोसिन, और जो लिंक हमने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।